गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 6.1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। दिस एक्स प्लस वाई एंड डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल एंड वी हैव टू प्रूव ए ओ बी इज ए लाइन। वी हैव टू प्रूव ए ओ बी इज ए लाइन। दिस पॉइंट इज ओ। This point is O. We have to prove AOB is a line. Line means straight line. तो अगर हमने इसको straight line prove करना है बेटा, तो you must know what is straight angle. Straight angle is 180 degree. अगर हम कोई इसको angle AOB को हम 180 degree prove कर दें, तो ये straight line prove हो जाएगी। तो our first aim is to prove angle AOB 180 degree. And you know if AOB is 180 degree, then it is always a straight line. So we can prove it. One more thing you must know, that sum of the angle in a round is always 360 degree. अगर हम पूरे round के angle का sum करें तो बेटा वो क्या होता है 360। अगर हम इन चारों angle को पूरे round angle को plus कर दें तो उसका sum क्या होता है 360 degree. तो x plus y प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 एंड वी कैन गिव द रीजन सम ऑफ एंगल्स इन अराउंड इज 360 डिग्री। नाउ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल दिया हुआ है, तो हम एक्स प्लस वाई को W प्लस जेड से रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, W प्लस जेड इक्वल टू 360। अब W प्लस डब्ल्यू कितना होगा, ट्वाइस जेड प्लस जेड, ट्वाइस ऑफ जेड। देन वी कैन टेक टू एज कॉमन, W प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री एंड W प्लस जेड इक्वल टू टू को ले जाओ 360 अपॉन टू 180 डिग्री। W प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप गौर देखो बेटा, W प्लस जेड ये पूरा एंगल क्या है, W प्लस जेड मिलके क्या एंगल बनाएगा, AOB। W प्लस जेड का मतलब क्या हो गया, AOB, विच इंप्लाइज दैट एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। और हमने क्या बोला था, अगर AOB स्ट्रेट एंगल हो जाए, इसको हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं 180 डिग्री, तो ये इंप्लाइज करता है कि AOB क्या है, एक लाइन है। इट इंप्लाइज दैट AOB इज ए लाइन। क्लियर? इस तरीके से हम इसको स्ट्रेट लाइन प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5, दिस POQ इज ए स्ट्रेट लाइन एंड RO इज परपेंडिकुलर टू PQ। परपेंडिकुलर का मतलब होता है बेटा कि ये जो RO है ये क्या एंगल बनाएगा, इधर को भी 90 डिग्री बनाएगा और इधर को भी 90 डिग्री बनाएगा। मतलब RO इज परपेंडिकुलर टू PQ मींस ये एंगल भी 90 हो जाएगा बेटा और ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा। एंड वी हैव टू प्रूव एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS, ये प्रूव करना। तो इसमें मैं ना राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, राइट हैंड साइड लेके चलूंगा और ये ROS के इक्वल प्रूव कर दूंगा। तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा आपको क्वेश्चन। हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आप ध्यान दोगे बेटा, क्यू ओ एस ये एंगल है, क्यू ओ एस ये पूरा एंगल, दिस इज क्यू ओ एस। तो इसको मैं क्या ब्रेक करके ऐसे ले सकता हूं, एंगल क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस, ये इन दो एंगल से मिलकर बना है। जो क्यू ओ एस एंगल है वो ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों एंगल को कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है क्यू ओ एस। तो क्यू ओ एस को हम लिख सकते हैं आर ओ क्यू एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ एस, ये इसको लिखा जा सकता है। तो क्यू ओ एस ये पूरा एंगल है, क्यू ओ एस पूरा,
तो ये इन दोनों एंगल के सम के इक्वल लिखा जा सकता है। इसी तरह बेटा माइनस एंगल पीओएस, ये है पीओएस, पीओएस ये वाला एंगल है पीओएस। तो अगर मैं इस पूरे एंगल में से, पूरे एंगल मतलब आर ओ पी में से ये वाला एंगल माइनस कर दूं, पूरे एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दूं, तो ये वाला तो बचेगा पीओएस बचेगा। इस पूरे एंगल में से मतलब आर ओ पी में से, आर ओ पी में से अगर हम आर ओ माइनस कर दें तो वो किसके इक्वल आएगा, पीओएस। तो पीओएस को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल आर ओ पी माइनस एंगल आर ओ एस, ये इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हाफ ऑफ एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ एस माइनस, ब्रैकेट ओपन करो, साइन चेंजेस आएंगे, माइनस आर ओ पी माइनस माइनस प्लस एंगल आर ओ एस, देखो बेटा आर ओ क्यू, आर ओ क्यू दो, सॉरी आर ओ एस दो बार है ना, और एंगल आर ओ क्यू कितना है, आर ओ क्यू कितना है 90 डिग्री, और आर ओ पी भी कितना है 90, ये क्या हो गया 90 डिग्री। आर ओ एस प्लस आर ओ एस ट्वाइस ऑफ आर ओ एस, और आर ओ पी, आर ओ पी भी कितना है 90 डिग्री, क्योंकि आर ओ पी क्यू के परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, 90 से 90 कैंसल, हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस, टू से टू कैंसल, एंगल आर ओ एस, और यही हमारी क्या बेटा लेफ्ट हैंड साइड, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स इज एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड ये हमें 64 डिग्री दिया, और फिर इन्होंने कहा कि एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट पी तक, एक्स वाई को आगे प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट पी तक, और फिर इन्होंने कहा कि जो एंगल जेड वाई पी जो बनेगा इसको रे वाई क्यू क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ये इस पूरे एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, मतलब अगर इस पूरे एंगल को ये बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बेटा इक्वल होगा, मान लो ये एंगल 120 है तो ये क्या हो जाएगा 60 60, ये मतलब होता है बाइसेक्ट का, मतलब वाई क्यू इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल, इसको मैं मान लेता हूं एंगल वन, इसको मान लेता है टू, इसका मतलब एंगल वन और टू क्या हो गए इक्वल हो गए। तो हमें इसमें क्या करना है, एक तो एक्स वाई क्यू निकालना है, एंगल एक्स वाई क्यू ये पूरा एंगल, ठीक है, और दूसरा हमने निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी ये निकाल एंगल वन का, तो हम इसको करते हैं शुरू। एक बात तो क्लियर है बेटा कि ये देखो एक्स वाई पी एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इनका सम क्या होगा 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो फ्रॉम फिगर 64 डिग्री प्लस एंगल टू प्लस एंगल वन इक्वल टू 180 डिग्री, 64 डिग्री प्लस एंगल टू प्लस एंगल वन, दीज आर ऑल ऑन द स्ट्रेट लाइन एंड सम ऑफ द एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, बट एंगल वन इक्वल एंगल टू, लेकिन एंगल वन तो एंगल टू के इक्वल है, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वाई क्यू इसको क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, बिकॉज वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, क्योंकि ये जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब एंगल वन और एंगल टू क्या होंगे इक्वल होंगे, देयरफॉर 64 डिग्री प्लस एंगल टू की जगह हम क्या लिख लेंगे एंगल वन लिख लो, एंगल टू की जगह लिख लेंगे हम एंगल वन इक्वल टू 180 डिग्री, 64 को तो ले जाओ और एंगल वन प्लस एंगल वन क्या होगा ट्वाइस ऑफ एंगल वन, 64 को तो ले जाओ 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल वन
10 माइनस 4 6, 7 माइनस 6 1, 1 माइनस 6 और एंगल 1 क्या होगा बेटा 116 अपॉन 2, 2 5 या 10, 2 8 या 16, एंगल 1 क्या होगा 58 डिग्री, ठीक है। और एंगल 1 किसका नाम है, पी क्यू वाई पी, और यू कैन से एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 58 डिग्री। और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल का एंगल 2 भी कितना हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू ये भी कितना हो जाएगा 58 डिग्री, क्लियर। तो अब मैं क्या निकालना, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू एंगल एक्स वाई क्यू क्या हो जाएगा बेटा 64 प्लस एंगल 2, 64 डिग्री प्लस एंगल 2, और एंगल 2 कितना है हमारा 58 डिग्री, क्योंकि 8 और 4 12, 6 और 5 11 और 1 122 डिग्री। और अब हमने क्या निकाला, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, मैंने बताया था आपको रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम 360 डिग्री में से गिवन एंगल को माइनस करते हैं, तो क्यू वाई पी कितना है 58 डिग्री, तो 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री कितना हो गया 302 डिग्री, क्लियर। सो विद दिस योर वर्कशीट नंबर 6.1 इज फिनिश, ओके। इन नेक्स्ट वीडियो विल ट्राई एक्सरसाइज 6.2, ओके, थैंक यू।